धमतरी जिले में चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको उसके परिजनों द्वारा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे रायपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी की पहचान की एक लड़की के द्वारा दूसरे युवक को मोबाइल नंबर दिए जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें आरोपी ने शिकायतकर्ता सैयद फरजान पर चाकू से हमला कर दिया था। इधर वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना के बाद मुखबिर की सूचना पर आरोपी टिकेंद्र साहू उर्फ टिल्लू को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। कल रात में मेरा दतार में कबाली का कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे लोग आए हुए थे कार्यक्रम का देखने के लिए। वहीं प्रातः सुबह 5 से 6 के बीच में हमको सूचना प्राप्त हुई कि चाकूबाजी की घटना मेरा दतार के पास हुई है, जिस पर टीम के साथ मौके पर पहुंचा गया। पहुंचे पर देखे कि एक व्यक्ति आहत था, जिसके गले के पास और कमर के पास चाकू लगी हुई थी, जिससे नाम पूछने पर अपना नाम वह सैयद बताया और एक इंदिरानगर निवासी है टिकेंद्र साहू, जिसके द्वारा वाद विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई और चाकू से सैयद के ऊपर टिकेंद्र ने हमला किया। इसके तहत प्राण घातक हमला है, जिसमें 307 के पूर्व में जो इसमें कार्रवाई होती थी, अब BNS के तहत 109(1) के तहत कार्रवाई होगी और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी।